नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। टुडे वी विल डू डिस्कस ऑन 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद प्रैक्टिस सेट 40। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। हु रोट लेटर टू मिस्टर गिफर्ड, द राउंड टेबल, टेबल टॉक, द स्प्रिट ऑफ द एजेस। तो किसने मिस्टर गिफर्ड को ये सारे लेटर्स लिखे हैं, द राउंड टेबल, टेबल टॉक और स्प्रिट ऑफ द एजेस करके। तो विलियम हैजलिट ने लिखे हैं ये लेटर्स, और किसको लिखा है, मिस्टर गिफर्ड को। लेटर्स कौन कौन से हैं, द राउंड टेबल, टेबल टॉक, द स्प्रिट ऑफ द एजेस, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज थॉमस डी क्विंसी'स बेस्ट नोन वर्क। थॉमस डी क्विंसी का बेस्ट नोन वर्क कौन सा है, तो कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर। ये बहुत ही फेमस वर्क है और ये थॉमस डी क्विंसी का भी फेमस वर्क है और ऐसे भी ये इंग्लिश लिटरेचर में फेमस वर्क है, कन्फेशन ऑफ एनी ओपियम ईटर। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, विलियम हेजलिट के ये लेटर्स हैं और कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर थॉमस डी क्विंसी का वर्क है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज ऑथर ऑफ इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, वॉल्टर विज लैंडर। यहाँ पे वॉल्टर होना चाहिए, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, टी होगा। तो इस इमेजिनरी कन्वर्सेशंस के ऑथर कौन है, वॉल्टर सेविस लैंडर जो है इमेजिनरी कन्वर्सेशंस के ऑथर है। क्वेश्चन नंबर फोर, हु स्टार्टेड पॉलिटिकल रजिस्टर अ वीकली न्यूज़पेपर, विलियम कोबेट। तो वीकली न्यूज़पेपर है पॉलिटिकल रजिस्टर जो है, और इस ये है विलियम कोबेट का। तो इन्होंने पॉलिटिकल रजिस्टर नाम का वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था विलियम कोबेट ने। क्वेश्चन नंबर फाइव, Who said that he had a smack of Hamlet in himself? किसने कहा है कि a smack of Hamlet in himself, उसके अंदर a smack of Hamlet है, तो that is Coleridge. Coleridge ये खुद के लिए statement जारी करते हैं और कहते हैं a smack of Hamlet उनके अंदर है। Question number six, Who is the author of Emily that had influenced the Romantic movement? तो Emily के author कौन है जिन्होंने Romantic movement को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया था, दैट इज रूशो। तो रोमांटिक मूवमेंट के जो पोएट और ऑथर्स हैं वो रूशो से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और इनका वर्क है एमिली। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु हैड दैट ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो ये किसने कहा है, लॉर्ड बायरन ने, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, इट इज ऑफ लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन नंबर एट, वॉल्टर स्कॉट्स नॉवेल्स आर सेट इन स्कॉटलैंड। वॉल्टर स्कॉट्स के जो भी नॉवेल्स हैं वो स्कॉटलैंड में ही सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु रोट व्हाट आर नोन एज वेवरली नॉवेल्स। तो किसने लिखा है ये, स्कॉट ने लिखा है और वेवरली नॉवेल्स के नाम से ये फेमस है, स्कॉट के नॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर टेन, द रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड इन द ईयर 1832। रिफॉर्म बिल किस ईयर में पास्ड होता है, तो 1832 में पास्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रिगार्डिंग विच कैरेक्टर डिड जेन ऑस्टिन से दैट सी वाज अ हीरोइन हुम नो वन वुड बट मायसेल्फ विल मच लाइक। तो एम्मा को लेकर ये जेन ऑस्टिन कहती हैं कि ये हीरोइन है और वो उनकी, तो कहीं ना कहीं जेन ऑस्टिन को लगता है कि जो एम्मा कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया था अपनी नॉवेल में वो उन्हीं के जैसे है। क्वेश्चन नंबर 12, द सेलिब्रेटेड 20th सेंचुरी नॉवेलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ हैड डाइड ऑफ ड्रॉनिंग हिमसेल्फ, व्हिच रोमांटिक पोएट हैड डाइड अ सिमिलर डेथ। देखिए यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट है 20th सेंचुरी के, और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने खुद को डुबोकर मार लिया, तो ऐसा ही एक और रोमांटिक पोएट ने किया है और वो कौन है, तो दैट इज सेली। सेली की भी डेथ जो होती है डूबने की वजह से होती है, और इन द सेम वे वर्जीनिया वुल्फ की भी डेथ होती है डूबने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरेट इन 1813 एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट हैड गॉन टू रॉबर्ट साउदी, सर वॉल्टर स्कॉट। तो रॉबर्ट साउदी को ये पोएट लॉरेट बनाया गया था 1813 में, बिकॉज वॉल्टर स्कॉट ने मना कर दिया था। तो वॉल्टर स्कॉट ने पोएट लॉरेट बनने से मना किया, तो रॉबर्ट साउदी को 1813 में पोएट लॉरेट बनाया गया। इनके बाद वर्ड्सवर्थ बनती है और इनके बाद टेनिशन। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, तो लेट अस मैच इट। 1789, 1791, 1793 ये इयर्स दिए हैं और इस इयर्स में कौन सी घटनाएं हुई है तो उनको मैच करते हैं। 1789 में
फॉल ऑफ बैसिल्स होता है, तो बैसिल का फॉल होता है 1789 में। 1791 में क्या होता है, फ्लाइट ऑफ लुइस 16। तो जो लुइस 16वें थे फ्रांस के किंग, उन वो क्या होता है फ्रांस छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसा वो कब कर, ऐसा वो 1791 में करते हैं। 1793 में क्या होता है, द एक्सक्यूशन ऑफ लुइस 16वें, लुइस 16वें को फांसी दे दी जाती है 1793 में। तो इसे अच्छे से मैच कर लेंगे, 1798 में द फॉल ऑफ बैसिल, 1791 में फ्लाइट ऑफ लुइस 16वें, एंड 1793 एक्सक्यूशन ऑफ लुइस 16, दैट इज 16वें। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज आल्सो फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग, द राइट ऑफ मैन, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, पॉलिटिकल जस्टिस, शॉर्ट रिसोर्ट्स। द राइट ऑफ मैन किसका वर्क है, थॉमस पेन का वर्क है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल ये विलियम ब्लैक का वर्क है, पॉलिटिकल जस्टिस विलियम गॉडविन का वर्क है, शॉर्टर रिसोर्ट्स थॉमस कार्लाइल का वर्क है। इसे अच्छे से मैच करके आप लोग देख लेंगे। तो द राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन, याद रखेंगे मैन पेन ऐसे करके याद रखेंगे, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल विलियम ब्लैक, ठीक है, हेवन एंड हेल विलियम ब्लैक मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पॉलिटिकल जस्टिस विलियम गॉडविन, जस्टिस गॉडविन, शॉर्टर रिसोर्ट्स थॉमस कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग, कैमिला इट्स द वर्क ऑफ फ्रांसिस बर्नी, द रॉन्ग ऑफ वुमेन वर्क ऑफ मैरी वॉलस्टन क्राफ्ट, कौशल वेकरेन इट्स वर्क ऑफ मारिया ईज़वर्थ, द लेडी ऑफ द लेक वॉल्टर स्कॉट। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कैमिलिया किसका वर्क है, फ्रांसिस बर्नी का, द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन वर्क है मैरी वॉलस्टन क्राफ्ट का, कैसिल वेकरेन जो वर्क है मारिया ईज़वर्थ का है, द लेडी ऑफ द लेक वॉल्टर स्कॉट का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 17, 1801, 1814, 1815, 1801 में कौन सी घटना घटती है, तो 1801 में यूनियन ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश पार्लियामेंट, ठीक है, 1801 में क्या होता है, यूनियन ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट का यूनियन होता है। 1814 में रेस्टोरेशन ऑफ लुइस 17, जो लुइस 17 होते हैं फ्रांस के किंग, लुइस 17वें का रेस्टोरेशन होता है 1814 में। 1815 में क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू, तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू की घटना घटती है, बहुत ही फेमस ये बैटल है, बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में घटता है, और 1814 में रेस्टोरेशन ऑफ लुइस 17, 1801 यूनियन ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग अगेन, 1802, 1809, 1817, 1824, 1802 में क्या होता है, एडिनबर्ग रिव्यू पब्लिश होता है, स्टार्ट होता है, 1809 में क्वार्टरली रिव्यू स्टार्ट होता है, 1817 में ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन स्टार्ट होता है, और 1824 में वेस्टमिंस्टर रिव्यू स्टार्ट होता है। तो ये सारे मैगजीन और न्यूज़पेपर हैं, इन्हें याद रखेंगे, 1802 में एडिनबर्ग रिव्यू, 1809 में क्वार्टरली रिव्यू, 1817 ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन, 1824 वेस्टमिंस्टर रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग, वॉल्टर स्कॉट, लॉर्ड बायरन, पीवी सेली, जॉन क्लेयर, और ये इनके वर्क्स हैं। तो वॉल्टर स्कॉट के वर्क देख लेते हैं कौन से हैं, गाय मैनरिंग, लॉर्ड बायरन, द कॉर्सेयर, पीवी शैली, एलिस्टर, जॉन क्लेयर, द सेफर्स क्लेंजर। तो वॉल्टर स्कॉट के वर्क गाय मैनरिंग, मैनरिंग से याद रखेंगे वॉल्टर स्कॉट के वर्क, लॉर्ड बायरन, द कॉर्सेयर, कॉर्सेयर याद रखेंगे, पीबी सैली, एलेस्टर, इट्स इजी, जॉन क्लेयर, द सेफर्स कैलेंडर। तो एक सेफर्डिस कैलेंडर वर्क है और एक सेफर्स कैलेंडर है, सेफर्स कैलेंडर जॉन क्लेयर का वर्क है और सेफर्डिस कैलेंडर एडमंड स्पेंसर का वर्क है। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, याद रखेंगे सेफर्स कैलेंडर है तो जॉन क्लेयर, और सेफर्डिस कैलेंडर है तो एडमंड स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग,
द एंटीक्वेरी एंड ओल्ड मोर्टेलिटी, नॉर्दिंगर एबे, मैरिस, द इंटेल, ये सारे वर्क से और इनके ऑथर हैं। तो लेटेस्ट मैसेज, द एंटीक्वेरी एंड ओल्ड मोर्टेलिटी, दिस इज वर्क ऑफ वॉल्टर स्कॉट, नॉर्दिंगर एबे, जेन ऑस्टिन, मैरिस, फेरियर, द इंटेल, गॉल्ट। Let us match again. The Antiquary and Old Man, Old Mortality work Walter Scott का है, Northanger Abbey Jane Austen का famous novel है, Maris, its work of Ferrier, The Intel Gold का work है। The Intel याद रखेंगे, Gold का work है। तो इस तरह से एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को। This is all about for today's video. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching.